ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परम सत्कार योग सतगुरां दी सरजी नवाजी गुरु खालसा गुरु प्यारी सात संगत जीओ, अज दियां कथा कहानियां विच आप जी सब दा धन्नवाद। गुरु साहिब दा शुकराना, धन बाबा गुरभाग सिंह जी दा शुकराना, बाबा जी दी महिमा द्वारा आपां सारे गुणगान करते हैं। सो सारी संगत दा धन्नवाद तहे दिलों, इन्ना प्यार बख्शन लई, इन्ना प्यार सत्कार देण लई आप सब दा ही धन्नवाद तहे दिलों। सो संगत जी, गुरु साहिब दी बाणी फरमाउंदी है, भई प्राप्त मानक दे हरिया गोविंद मिलन की एह तेरी भरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बड़ भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल परिजै जीउ। सो आपां सारे वड्डियां भागां वाले हां, जो संगत करदे हां, संगत विच बैठे हां, संगत विच बह के असर करदे हां, क्योंकि बंदा जिहड़ा संगत विच बैठदा संगत करदा है उहनूं संगत दा असर हो जांदा है। जैसी संगत वैसी रंगत। सो प्यारियो, धन बाबा गुरभाग सिंह सोढी पातशाह जी की संगत करने वाले संगियां नूं बेनती है कि बाबा जी की संगत कर दिओ तुसीं। कोई कहिंदा मैं 20 साल तो जुड़िया, कोई कहिंदा मैं 30 साल तो जुड़िया, कोई कहिंदा मैनूं 60 साल हो गए, कोई कहिंदा मैनूं मेरी उम्र ही लंघ गई डेरा साहिब जांदे आ। पर याद रखियो, अज तक खटिया की है, अज तक डेरा साहिब जांदे जरूर हो, उत्थे जाके उत्थे दियां जगह नूं मन के तुसीं उन्हां दे असर कीता, उन्हां दे बचना दे तुरे। डेरा साहिब जांदे आ सानूं बड़े चिर हो गए, बड़े साल हो गए जी असीं बाबा जी नूं मनदे आ, पर डेरा साहिब जाण वाले कदे जाके सोचिया कि बाबा जी दे दर ते मैं जाना, मैं उत्थे जाके आ सिख के आया, उत्थे जाके मैं आ चीज दी सिख्या लैके आया? कदे किया? असीं अपने मुरशद नूं वडियाणा है, असीं अपने मुरशद नूं उच्चा नाम लैके करना है। असीं किहड़े कम्मां विच वड़े होए, किहड़े कारनामे करदे आ? इस करके बाबा जी दी मनन वाले कोई विरले ही नहीं, वह विरले ही नहीं कोई जेड़े बाबा जी दी गल मनदे, बाबा जी दा बचन मनदे। संतो सागर पार उतरिए, जीगो बचन कमावे, संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। कोई कर्मा ते भागा वाला विरला ही है जेड़ा बचना ते पहरा दिंदा है, बचना ते तुरदा है। अज का समा ऐसा है, अज के समय च आप पता की कहने,
बस साडा काम छेती तो छेती हो जाए, साडे काम दे विच छेती किरपा हो जाए, साडे काम नूं छेती भाग लग जाए। नहीं, भाग लगते ने, थोड़ा समा लगता, असी काले पै जाने, असी जल्दबाजी करते हैं, साडा एक काम हो जाए बस, जे ना होए तो बाबा इन दोष देन लग पैंदे सी, जे बाबा वडभाग सिंह नूं माड़ा कहन लग पैंदे, जे ना काम बन, जे ना बने असी महाराज जी नूं दोष देने। नहीं, जैसा बीजे सो लूणे कर्म संगड़ा खेत, जैसा बीजेगा वैसा बढ़ेगा। एक कर्म ने तेरे, ये तेरे कर्म ने जेड़े तेनू अगे आ रहे ने, ये तेरे कर्मा करके तेनू इदा हो रहा है, कर्म ने प्यारे महाराज का कसूर नहीं होंगे, कर्म ने। जे तेरे घर औलाद नहीं, ये भी तेरे कर्म ने, पर कर्मा नू बाबा जी पलट भी देंदे ने जे तेरी श्रद्धा हो, जे भावना होए। जे तेरा बाहर का काम नहीं बनगा, उस कर्मा नू पलट भी देगा, जरिया बना के तेरा वीजा लग जू, ये भी तेरे कर्म ने। पर भावना रखिए ना, आप असी कहने सानू गड्डी मिल गई, गड्डी किन्ने दित्ती, जरिया बनया, बाबा जी ने जरिया बनाया, वो गड्डी मिल जाती, जरिए दे थ्रू सारा काम होंगे। जे तू जरिए नाल तुरेगा, बचना ते तुरेगा, फिर वेखी तेरे 100% काम बन लगे। असी हर एक चीज दे विच गुरु ने गुरु दे शंके करन लग पैंदे, हर एक चीज विच गुरु दे उपर आपां दोष दिंदे आ, मेरा काम बनिया नहीं, मैं नहीं मनना बाबा जी, मैनू पुत नहीं मिलिया, मैं नहीं मनना बाबा जी, मेरा बाहर दा नहीं बनिया, मैं नहीं मनना बाबा जी। क्यों भाई, असी मतबल वास्ते मनने आ, फिर एदा मतबल आखो सतनाम, असी मतबल वास्ते मनने आ, फिर साडी श्रद्धा नहीं, साडी भावना नहीं है, फिर असी मतबल करके मनदे आ, ये काम हो गया ते बाबा जी दी जय, जे ना होया असी नहीं मनदे। क्यों, मतबल वास्ते गुरु नूं मनना है, गुरु नूं मतबल वास्ते नहीं मनीदा, हमेशा वास्ते मन, भावें बने या ना बने, जिंदगी दे विच बहुत कुछ आंदा, जिंदगी विच दुख भी आंदे आ, दुखां नाल लड़ना सिख, जिंदगी विच सुख भी आंदे आ, सुखां नाल भी हंडा, जिंदगी विच जिद्दां भी हंडा सकना। इस करके असी हर एक चीज दे विच उतार चढ़ाव जिंदगी च आउणगे, उस जिंदगी च उतार चढ़ाव पार करने ने असी, ना कि असी गुरु नूं दोष देणा, ना कि असी सतगुरु नूं दोष देणा। सतगुरु दा नहीं कसूर, कसूर तेरा है, कसूर तेरे मनण दा है, तू सिर्फ मतबल तक ही मनिया है। हाँ जी, जे पुत्र देगा तां खंड पाठ साहिब करावांगे, क्यों, खंड पाठ साहिब एवें नहीं करा सकता, शर्तां पहलां ला लैने, पहलां जी पुत्र देगा पहाड़ां वाला, फिर असी खंड पाठ करांगे, पहलां जी मैनूं बाहर भेजेगा, फिर असी खंड पाठ करांगे, पहलां तां शर्तां ला लैने आपां महाराज नाल। शर्तां नाल नहीं मनदा, भावना नाल मनदा। जिन्ने तुसीं वीडियो वेख रहे हो, मेरी बेनती है, भावना रख के गुरु नूं मन्निया करो, ते वरसाए साधुआं दा सत्कार, जो बाबा वडभाग सिंह तू वरसाए हुए महापुरख, उन्हां दा सत्कार करो, फिर डायरैक्ट नहीं, तू कहीं भी डायरैक्ट बाबा जी नूं मिलना, डायरैक्ट नहीं मिल सकता, जज कोल पहुंचण वास्ते वकील करना पैंदा, तां जज तक पहुंचेगा, इदां डायरैक्ट जाके दिखा दो, जज तक पहुंचण वास्ते वकील दी लोड़ पैंदी, रब तक पहुंचण वास्ते साधु दी लोड़ पैंदी है, तां ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਬਲ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਬਲ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਮੰਨਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਜੋ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
जम्मू तो मैं फोन आया, बीबी जी दसते कहते बाबा जी साडे घर औलाद नहीं हो सकती सी। सारे पास जवाब मिल गया भी औलाद नहीं हो सकती। कहने जो डेरा साहब गए बाबा के चरणा च हाजरी भरी, कहते महाराज जी ने कृपा करती। और जेडे डॉक्टर कहते औलाद नहीं हो सकती, अजो बाबा वडभाग सिंह सोटी पातशाह की कृपा नाल कहते मेरे बच्चे ने दो। उन्होंने बेटी का फोन आया सब कह का भाव है श्रद्धा की गल है, प्यार की गल है, अपने आप च कॉन्फिडेंस नहीं साढ़े अंदर। जो माड़ा जहा सिर दुख जे हाए जी कुछ हो गया, माड़ी जी लत्तां दुख जाण हाए जी कुछ हो गया, माड़ा जहा असी बीमार हो जाइए बुखार चढ़ दे हाए जी कुछ हो गया। आज जिंदगी विच आउंदे ने, जिंदगी च दुख भी आणगे सुख भी आण, इन्हां नाल हंडाणा है असी लड़ना है असी। जे दुख नाल दुख समझ के डर गया फिर तो दुख ढालेगा तेनू। असी दुख नाल लड़ना सीखना है, असी दुख दे नाल लड़ना है। किवें लड़ना है? दुख दे नाल लड़ना सीखो। जे दुख नाल लड़ना सीख लिया महाराज साहब कृपा करनगे। जे दुख दे नाल लड़ना ना आया तेनू, जे डर ही गया हाए जी कंडा, जे कंडा कह देंगे ना भी तेरे सप्प लड़ गया, वो बंदा डर नाल ही मर जू मेरे सप्प लड़ गया। जे कह देंगे कंडा लगा तेरे बच जाएगा। इस करके जे तू माड़िया माड़िया गल्लां तू डर गया हाए मेरे सिर आ मेरा सिर दुख गया, अज कारवाई होगी कोई, अज फलाना काम हो गया मेरे ते, ये हो गया जी वो हो गया, महाराज कहंदे आ तो ये चीजा तू बाहर निकल, ये चीजा तू बाहर आ। अपने सतगुरु का शुकराना कर, धन बाबा वडभाग सिंह का शुकराना कर। फिर वेखी धन बाबा वडभाग सिंह जी के सिद्धांतां ते पैरां दे, फिर वेखी स्वाद जिंदगी का हुंदा किवें, किवें रहमतां हुंदियां, किवें कृपा हुंदी है, जिंदगी जीउण दा तरीका वेख किवें हुंदा है। इस करके आपां इह चीज़ां दे विच ध्यान नहीं देंदे, असीं उल्टरा तुरने आ। जे कोई सानूं फलाना कह दे फलानी तां चल उत्थे जावांगे, सच दी जगह ते नहीं जावांगे, सच वाली जगह नूं कहांगे इत्थे ते कख वी नहीं हैगा, सच वाली जगह नूं असीं कख कहांगे। ते जिथे जाने आ जिथे कोई रगड़ा ला दिंदा 50-60 हज़ार दा उत्थे फट जावांगे असीं, उत्थे फट जाके असीं दौड़ांगे, नहीं इदां नहीं। सच दे राह ते तुर, हमेशा सच बोल, हमेशा सच दा पहरा दे, सच ते तुर। वेखी फिर बाबा जी दी मेहर हुंदी, जे सच बोलेगा जिंदगी च सच बोलना सिख, झूठ ना बोल, किसी दा हक ना खो के खा, अपनी हक दी कमाई खा, वेखी स्वाद आएगा जिंदगी दा जीवन दा, जिंदगी जीवन दा स्वाद आएगा जे हक दी कमाई खाएगा, हक दी सच दी कमाई ते पहरा लवेगा। फिर वेखी जिंदगी विच तेनू कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई तेरे ते कुछ नहीं होएगा। इस करके असी सच ते पहरा देना है। वेखियो फिर बाबा जी दी मेहर, बाबा वडभाग सिंह किवें बरकतां पांदे तुहाडे कम्मां कारां च। जिहड़े कहिंदे ना साडे कम्म च रुकावटां ने, साडे कम्म नहीं चलदे, बाबा जी कहते हक सच की करनी शुरू कर दे कम दौड़े चलणगे। निंदिया चुगली किसी का माड़ा सोचना बंद कर दे, किवें कम चलणगे तेरे, याद रखी कम देखी किवें चलदे। जिंदगी विच किसी का माड़ा सोचना बंद कर दे, किसी प्रति निंदिया। साडे महापुरख कहते सी भावें कोई भी है, कोई साधु है, कोई किसी भेस च है, कोई भी महापुरख है, किसी की निंदिया ना करी, सारे सत्कार योग ने, निंदिया ना करिए। प्यारे साधुओं का सत्कार जिंदगी करते रहने करते रहेंगे। वेखियो फिर आनंद जिंदगी आता किमें जीवन का, रहमत किमें बढ़दियां बाबा जी दी, कृपा किमें होंगी। जिंदगी जीवन का तरीका सीखिए, असी बैकवर्ड ना चलिए फॉरवर्ड चलना, असी बैकवर्ड नहीं जाना फॉरवर्ड जाना है। जिथे अजक दुनिया जा रही फॉरवर्ड है, असी फॉरवर्ड होना है, बैकवर्ड नहीं होना। बैक चला गया तो फिर जिंदगी बैक जाएगी, फॉरवर्ड हो, अगे वेख, सोच की बनना है, अगे का सोच।
ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਸਿਖਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾ। ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਹਰ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆਏਗੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਏਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਫੜਨਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ 'ਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੇਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾਏ, ਸੁੱਚੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੁੱਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਲੇ ਛਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਛਿਲਕੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਭੈਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਛਿਲਕੇ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਗੁੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਛਿਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਗੇ, ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਰਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, 5 ਤਰੀਕ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, 5 ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਅਗਸਤ, 2 ਦੀਵਾਨ ਨੇ, 5 ਅਤੇ 6। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਏ, ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਖੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।